काका, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस खीर से आपका पेट भर गया होगा। ये क्या मजाक है अहिल्या? मजाक? मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? यकीन मानिए, ये जो खीर है ये इन्हीं के लिए बनी है। वो तो ठीक है अहिल्या, लेकिन ये खीर उनकी थाली तक पहुंची ही नहीं, बीच में ही तुमने बिल्कुल सही कहा आपने छोटे सुबेदार जी, इनके लिए ये खीर बनी तो सही है लेकिन इनकी थाल तक पहुंची ही नहीं। आपकी दी हुई धनराशि के साथ यही हुआ है छोटे सुबेदार जी। लेकिन ये कैसे हो सकता है अहिल्या? रतलाम जलबंधक के निर्माण का कार्य कल से शुरू होने जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सरकारी मदद इन लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी। मनोजी भाऊजी ने हमें कहा था कि वो ये सब कार्य कर चुके हैं, ये सब वही तो देख रहे हैं अहिल्या। देखिए, एक सच तो वो है जो गुनुजी दाजी आपको बता रहे हैं और दूसरा सच आपके सामने है छोटे सुबेदार जी, आप खुद देख सकते हैं। अब आप ही तय कीजिए आपको कौन सी सच्चाई पर विश्वास करना है। यात्रा लंबी है, इसे थोड़ा पानी पिला देता हूं। सबसे ज्यादा दुख तो मैं इस बात का है कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। खंडेराव, गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपसे सिर्फ गलती ही नहीं हुई है बल्कि बहुत बड़ी चूक हुई है, और वो चूक ये है कि आपने एक गलत इंसान पर भरोसा किया। और उस गलत इंसान ने क्या किया? आपके साथ विश्वासघात किया। सच बात तो ये है खंडेराव कि हमें खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने
किसी दूसरे पर विश्वास किया। खंडेराव, तुम्हारी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई थी ना, उसे खोलने की हमने कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन तुम अपनी आंखें ही नहीं खोलना चाहते थे। अक्सर ऐसा हो जाता है खंडेराव, लेकिन खुद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक और बात बताएं आपको, तुम्हारे बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो परछाई तुम्हारा साथ छोड़ देती है। और ये तो एक इंसान है। और खंडेरा, अपना दोस्त कौन है कौन नहीं ये पहचानना सीखो। लोगों की बातों पर भरोसा मत करो, बल्कि उस पर सलाह मशवरा करो। ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो तुम्हारी इज्जत करे, जो तुम्हारा ध्यान रखे, वही तुम्हारा दोस्त है। कभी कभी तुम्हारी आलोचना करने वाला भी तुम्हारा दोस्त हो सकता है। अब जो हो गया सो हो गया ही, लेकिन जो बिगाड़ा है उसे सुधारेंगे भी अब हम। गंगूबा काका जी, रतलाम से जितने भी लोग आए हैं उन सब के रहने और खाने का इंतजाम तो हो गया है ना? जी छोटे सूबेदार जी, रहने का इंतजाम धर्मशाला में किया गया है और खाने का और वस्त्रों का भी इंतजाम हो गया है। छोटे सूबेदार जी, मुझे एक प्रश्न बहुत परेशान किए जा रहा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।